नमस्कार मैं हूं शशि आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं नेशनल फुटबॉलर अष्टम उराव बनी किशोरी समृद्धि योजना की ब्रांड एम्बेसिडर अंडर सत्रह भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तान और गुमला की बेटी अष्टम उराव को गुमला जिला प्रशासन ने सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का ब्रांड एम्बेसिडर बनाया है गुमला डीसी सुशांत गौरव ने कहा है कि किशोरी समृद्धि योजना के बेहतर प्रचार प्रसार एवं जागरूकता के लिए अष्टम उराव को ब्रांड एम्बेस्डर बनाया उन्होंने अष्टम से यह अपेक्षा करते हुए कहा है कि वे खेल के साथ साथ पढ़ाई पर भी उतनी ही गंभीरता से ध्यान दें साथ ही जिले की अन्य छात्राओं को भी शिक्षा के लिए प्रेरित करें ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने पर अष्टम उराव ने कहा है कि यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रशासन ने मुझे इस काबिल समझा मेरा प्रयास रहेगा कि किशोरी समृद्धि योजना का बेहतर प्रचार प्रसार कर सकूं, जिससे इस योजना का लाभ गुमला जिले की किशोरी उठा सके मालूम हो कि गुमला जिला से 60 किलोमीटर दूर स्थित बिशुनपुर प्रखंड के बनारी गोर्रा टोली गांव के अष्टम उरांव फीफा अंडर सत्रह वर्ल्ड कप में बालिका महिला फुटबॉल टीम की कप्तान है मौसम विज्ञान विभाग की ओर से दिवाली को लेकर मौसम का पूर्वानुमान जारी किया गया है इसके तहत कुछ जिलों में हल्के से मत दर्जे की बारिश के आसार हैं वहीं कुछ जिलों में तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है झारखंड में दिवाली के मौके पर सामान्यतः बादल छाए रहेंगे उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं हल्के से दर्जे की बारिश हो सकती है जबकि शेष भागों में मौसम शुष्क रहेगा राज्य के दक्षिण पूर्वी उत्तर पूर्वी एवं निकटवर्ती मध्य जिलों में कहीं कहीं तेज हवाएं चलेंगी भगवान बिरसा की जयंती पर राष्ट्रपति झारखंड आएंगी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुट्टी के उलिहातू आएंगी यहाँ वे भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी और सभा को संबोधित करेंगी झारखंड की राज्यपाल रहते हुए भी द्रौपदी मुर्मू एक बार उलिहातू आ चुकी हैं बता दें कि उलिहातू भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है द्रौपदी मुर्मू खुट्टी आने वाली पहली राष्ट्रपति होंगी बाईस साल पहले इसी दिन झारखंड राज्य का गठन हुआ था इस दिन को केंद्र ने पिछले वर्ष आदिवासी दिवस भी घोषित किया है राष्ट्रपति के आगमन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है डीसी शशि रंजन एसपी अमन कुमार शनिवार को उलिहातू पहुंचे व तैयारियों का जायजा लिया झारखंड व बंगाल में गाय के गोबर से बने 40 लाख दिए दीपावली लोगों के जीवन में उल्लास का प्रकाश फैलाने का पर्व है अब एकल एक अभियान के प्रयास आरंभ किया गया है यह उल्लास केवल पर्व काल में ही नहीं रहे बल्कि वर्ष भर लोगों के जीवन में प्रसन्नता के दीप जलाते रहे इसके लिए एकल एक अभियान की तरफ से एक देशव्यापी पहल की गई है जिसमें देसी गोपालन के साथ गोबर से दिए बनाकर स्वावलंबी बनाने का उद्देश्य निहित है बता दें पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत झारखंड के देवघर के दुम्मा और बंगाल के नदिया के नाकासीपाड़ा केंद्र में ग्रामीण महिलाओं के जीवन में गोबर से बने यह दिए आत्मनिर्भरता की ज्योति जला रहे हैं महिलाएं सजावट की सामग्री भी तैयार कर रही हैं इस पहल को सफल बनाने के लिए एकल अभियान दीपावली और छठ महापर्व के मौके पर लोगों को गोबर से दिए जलाने के लिए प्रेरित भी कर रहा है सनातन संस्कृति में गोबर को पवित्र और पूजनीय माने जाने के कारण इस पहल की काफी सराहनीय हो रही है आज दीपावली जानिए शुभ मुहूर्त के साथ सूर्य ग्रहण इस वर्ष सोमवार 24 अक्टूबर को दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा वहीं 23 अक्टूबर को झारखंड में लोग छोटी दीपावली मनाए 24 अक्टूबर को शाम पाँच बजकर चार मिनट से अमावस्या प्रारंभ हो रहा है जो अगले दिन 25 अक्टूबर तक शाम चार बजकर पैंतीस मिनट तक रहेगा यानी माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा 24 अक्टूबर को होगी हिंदू शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी का पूजन युक्त अमावस्या को स्थिर लगन और स्थिर नवमास में ही करना चाहिए इस वर्ष दिवा काल का श्रेष्ठ समय अमृत का चौघड़िया काल सुबह छः बजकर पैंतीस मिनट से प्रारंभ होगा और सुबह सात बजकर उनसठ मिनट पर समाप्त होगा वहीं इसी तरह शुभ का चौघड़िया काल सुबह नौ बजकर तेईस मिनट से शुरू होगा और सुबह दस बजकर सैंतालीस मिनट तक रहेगा धनबाद में डेंगू से लड़ने के लिए प्रत्येक प्रखंड में पाँच पाँच बेड तैयार धनबाद जिले में डेंगू का प्रकोप नहीं है जिले में मात्र डेंगू के तीन मरीज मिले थे जो उपचार के बाद ठीक होकर अपने घर चले गए हैं वहीं डेंगू से लड़ने के लिए सदर अस्पताल में बीस तथा प्रत्येक प्रखंड में पाँच पाँच बेड तैयार रखे गए हैं इसलिए लोगों को घबराना नहीं है ये बातें सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने अपने कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान मीडिया से कही उन्होंने कहा है कि डेंगू को चिन्हित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार जिले में भ्रमण कर रही है इस दौरान टीम ने छियानवे सौ तो चौंसठ घरों का सर्वे किया है और पैंतालीस हजार एक सौ सड़सठ कंटेनर को चेक किया है इसमें बारह सौ चौंसठ कंटेनर में डेंगू के लार्वा पाए गए जिसे डेमोफोक्स छिड़काव कर नष्ट कर दिया गया झारखंड राज्य स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में प्रभु ने जीता कांस्य पदक हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड के खुटरा गांव निवासी प्रभु कुमार ने पंद्रहवीं झारखंड राज्य स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर हजारीबाग जिले का नाम रोशन किया है उन्होंने गिरिडीह जिले में उन्नीस से इक्कीस अक्टूबर 2022 तक संपन्न हुई मुक्केबाजी प्रतियोगिता में रांची जिले के बॉक्सर रोहित तिर्की को हराकर कांस्य पदक पर कब्जा बनाया प्रभु के पिता एक किसान हैं बता दें मुख्यबाज प्रभु कुमार ने बताया कि एन आई एस कोच शैलेंद्र प्रसाद कुशवाहा से बॉक्सिंग की कला सीखी बॉक्सर प्रभु के पिता अजय प्रसाद कुशवाहा पेशे से किसान हैं और पार्ट टाइम ड्राइवर भी हैं दीपावली पर नहीं होगी बिजली की दिक्कत राज्य में दीपावली छठ पर निर्बाध बिजली आपूर्ति बहाल रखने के लिए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से अतिरिक्त बिजली खरीदी जाएगी झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से एक्सचेंज का बकाया अट्ठासी करोड़ रुपए भुगतान कर अतिरिक्त बिजली खरीदने का निर्णय लिया गया है केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की नई व्यवस्था के तहत बिजली खरीद का भुगतान पैंतालीस दिनों में करना है ऐसा नहीं करने पर एक्सचेंज से अतिरिक्त बिजली खरीद पर रोक लगा दी जाती है बता दें पिछले एक हफ्ते से झारखंड शाम के व्यस्त समय के दौरान अतिरिक्त बिजली नहीं खरीद पा रहा था अब भुगतान कर दिवाली पर उपलब्धता से अधिक मांग की स्थिति में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से अतिरिक्त बिजली खरीदने का निर्णय लिया गया है और इसके लिए बकाया अठासी करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा राष्ट्रीय तिरंदाज अंकिता कुमारी को बीएसएफ में नौकरी रांची के बिरसा मुंडा तिरंदाजी केंद्र जोनहा की प्रशिक्षित रही तिरंदाज अंकिता कुमारी को बीएसएफ में नौकरी मिली है रांची में आयोजित रोजगार मेला में बीएसएफ अधिकारियों ने अंकिता कुमारी को नियुक्ति पत्र सौंपा आपको बता दें कि अंकिता के पिता सुधीर प्रजापति मोबाइल टावर में गार्ड की नौकरी करते हैं जबकि माँ स्वास्थ्य सहिया है तीरंदाजी में कई पदक जीत चुकी अंकिता को खेल कोटे से बी में नौकरी मिली है सराय के, के गुरु सुशांत महापात्रा को अर्जुन मुंडा ने किया सम्मानित शैली नृत्य के लिए मुखौटा तैयार करने वाले कलाकार गुरु सुशांत महापात्रा को सरायकेला के, के आदित्यपुर में आयोजित सार्वजनिक काली पूजा समिति की ओर से सम्मानित किया गया केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने छ गुरु सुशांत महापात्रा को अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गुरु सुशांत महापात्रा को यह सम्मान नृत्य का मुखौटा तैयार करने के लिए दिया गया है गुमला में सात सौ सतासी रुपए ट्रैक्टर बालू बुकिंग के लिए अनिवार्य बालू की किल्लत और लोगों की परेशानी को देखते हुए गुमला के केराडी बालू घाट का संचालन अब गुमला खनन विभाग खुद करेगा इसकी अनुमति सरकार से मिल गई है गुमला के रायडी प्रखंड में केराडी बालू घाट है जहां बड़ी मात्रा में बालू है यहां से सौ सी बालू सात सौ में कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है बालू खरीदने के लिए जे एस एम डी सी के पोर्टल से ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी बुकिंग कराने के बाद रसीद प्राप्त कर कभी भी बालू का उठाव केरेडी बालू घाट से किया जा सकता है झारखंड में दिवाली पर दो घंटे ही फोड़ सकेंगे पटाखे दिवाली के मौके पर सिर्फ दो घंटे ही पटाखे फोड़ सकेंगे वहीं गुरु पर्व व छठ पर भी ये नियम लागू रहेगा हालांकि पटाखा फोड़ने की अवधि अलग अलग है सिमडेगा के उपायुक्त आर रोनीटा एवं पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार की अध्यक्षता में दिवाली एवं छठ पूजा को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई समरणालय सभागार में आयोजित बैठक में पटाखों का भंडारण एवं बिक्री पर विस्तृत चर्चा की गई बता दें दिवाली के मौके पर पटाखे मात्र दो घंटे तक ही फोड़ा जा सकेगा दिवाली एवं गुरु पर्व पर रात्रि आठ बजे से रात्रि दस बजे तक आतिशबाजी कर सकेंगे सोहराई पर्व की तैयारी तेज दीपावली के दूसरे दिन मनाते हैं आदिवासी सोहराई पर्व को लेकर महिलाएं अपने घर की दीवारों पर पशुओं की आकर्षक चित्र उकेरती हैं यह पर्व पालतू पशु और मानव के बीच गहरा प्रेम स्थापित करता है इसमें पशुओं की पूजा अर्चना कर सात प्रकार के अनाज से बने पकवान को इन्हें खिलाया जाता है यह परंपरा आज भी जारी है बड़का गांव के किसान खेतीबारी पर निर्भर हैं खेतीबारी का काम बैल और भैंसों के माध्यम से की जाती है इसलिए सोहराई का पर्व में पशुओं को माता लक्ष्मी की तरह पूजा की जाती है इस दिन बैल एवं भैंसों को पूजा कर किसान वर्ग धन संपत्ति वृद्धि की मांग करते हैं चाईबासा गैंगरेप का खुलासा पाँच अरेस्ट चाईबासा के हवाई अड्डा मैदान में 20 अक्टूबर को आदिवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती से सामूहिक दुष्कर्म का पुलिस ने रविवार को खुलासा कर दिया है इस घटना में एक 13 वर्षीय नाबालिग व एक 17 वर्षीय किशोर भी शामिल था घटना में शामिल दो युवक फिलहाल फरार हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है पश्चिमी सिंहभूम के एस पी आशुतोष शेखर ने रविवार को चाईबासा में पत्रकारों को यह जानकारी दी बता दें गिरफ्तार युवकों में घटना स्थल के निकट ग्राम सालीहातु निवासी शिवशंकर करजी उर्फ बाज सुरेन देवगाम पूर्णी देवगाम उर्फ सेट्टी देवगाम उर्फ डेम्बो व सोमा शिकू पेट्रा शामिल हैं झारखंड में भारत जोड़ो यात्रा ठंडा पड़ा राष्ट्रीय स्तर पर खोई राजनीति जमीनी वापस लाने की जद्दोजहद में कांग्रेस लगी है इस सिलसिले में आरंभ हुई पार्टी नेता राहुल गांधी की बहुप्रचारित भारत जोड़ो यात्रा की प्रासंगिकता पर सवाल उठ रहे हैं बता दें राहुल गांधी की पदयात्रा के रूट में झारखंड नहीं है लिहाजा आला कमान के निर्देश पर राज्य में पदयात्रा का आगाज भगवान बिरसा मुंडा की जन्मभूमि उलिहातू से पूरे तामझाम के साथ किया गया पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय राज्य में पदयात्रा कार्यक्रम के संयोजक बनाए गए हैं वहीं पदयात्रा की जब शुरुआत हुई तो प्रदेश स्तर के नेताओं का जुटान हुआ दावा किया गया था कि पदयात्रा दिसंबर माह तक चलेगी और हरेक प्रखंड में इसका आयोजन होगा यात्रा का रूट तय किया जाएगा इसके लिए वरीय नेताओं की भी बैठक हुई हालांकि एक दिन के औपचारिक कार्यक्रम के बाद यह आगे नहीं बढ़ पाया है दिल्ली पुलिस ने देवघर के साइबर ठग को अढ़ाई लाख रिश्वत लेकर छोड़ा झारखंड के देवघर में अढ़ाई लाख रुपए रिश्वत लेकर साइबर अपराधी को छोड़ने के आरोप से घिरी दिल्ली के जनकपुरी की पुलिस टीम की मुश्किलें बढ़ने वाली है गिरफ्तार साइबर अपराधी कड़वा मौलवी ने देवघर पुलिस के सामने बयान देकर यह स्वीकार कर लिया है कि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने सोलह अक्टूबर को उसे गिरफ्तार करने के बाद अढ़ाई लाख रुपये रिश्वत लेकर छोड़ दिया था पुलिस पदक से सम्मानित बजरंगी यादव का गांव में स्वागत राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित बजरंगी यादव का उनके पैतृक गांव पहुंचने पर रविवार को जोरदार स्वागत किया गया जयनगर प्रखंड के ग्राम पंचायत सतडीहा निवासी बजरंगी यादव को राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस पर उच्च कोटि की कर्तव्य प्रायणता एवं वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था बजरंगी वर्तमान में सी में सेवाएँ दे रहे हैं इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक जानकी प्रसाद यादव सम्मानित हुए और बजरंगी यादव के पैतृक गांव पहुंचने पर ग्राम वासियों के साथ स्वागत किया गया कंप्यूटर ऑपरेटरों के वेतन में भारी विसंगति झारखंड सरकार के राज्य सचिवालय से लेकर प्रखंड कार्यालय में कार्यरत संविदा कर्मी कंप्यूटर ऑपरेटरों के वेतनमान में भारी विसंगति है जबकि एक ही कार्य के लिए इनके वेतनमान में कोई समानता नहीं है सचिवालय में कार्य करने वाले कंप्यूटर कर्मियों को अट्ठाईस सौ रुपये मिलते हैं वहीं जिला मुख्यालय तथा प्रखंड कार्यालय में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को सोलह से अठारह रुपये इनमें से कई संविदा कर्मी हैं जो कई कर्मी आउटसोर्स किए गए हैं वहीं राज्य सचिवालय के ग्रामीण विकास विभाग में आउटसोर्स पर काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा पर काम कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटरों से अधिक मानदेय ले रहे हैं एक ही विभाग में दो तरह से कंप्यूटर ऑपरेटरों का भुगतान किया जा रहा है झारखंड के आयुर्वेदिक डॉक्टर की किडनैपिंग में बंगाल के चार लोग गिरफ्तार झारखंड पुलिस ने एक आयुर्वेद डॉक्टर के अपहरण के आरोप में पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले से चार लोग गिरफ्तार किया है डॉक्टर को भी छुड़ा लिया गया पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने रविवार को बताया है कि अभियान में झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया प्रखंड के रहने वाले टुम्पू बेसरा को भी पुरुलिया के जयपुर थाना क्षेत्र के मुकुंदपुर के एक घर से सकुशल छुड़ा लिया गया है सैनिक स्कूल में नामांकन के लिए जारी हुआ नोटिफिकेशन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 33 सैनिक स्कूलों के साथ 18 नए मान्यता प्राप्त सैनिक स्कूलों में एडमिशन के लिए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है स्टूडेंट तीस नवम्बर तक ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं बीएड 2022 का एडमिट कार्ड जारी झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड बीएड 2022 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है उम्मीदवार जो भी संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए आवेदन किए हैं वे जे सी e -E की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं यह परीक्षा ऑफलाइन मोड के माध्यम से आयोजित की जाएगी नदी में मछली मारने के दौरान अजगर से पड़ा पाला झारखंड के गढ़वा में नदी में मछली मारने गए एक व्यक्ति की उस समय जान आफत में आ गई जब एक विशाल अजगर उसके पीछे पड़ गया अजगर ने व्यक्ति को जकड़ कर निवाला बनाना चाहा लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाया अजगर ने व्यक्ति को चार घंटे तक अपने कब्जा में रखा बाद में ग्रामीणों की मदद से शख्त ने अजगर के कब्जे से खुद को छुड़ाया बता दें गढ़वा जिले के चिनिया प्रखंड मुख्यालय स्थित ग्राम पंचायत खोरी गांव के भोया टोली निवासी सुभाष भोया को एक विशाल अजगर ने काफी देर तक अपने गिरफ्त में रखा ग्रामीणों के अथक प्रयास से अजगर सांप से सुभाष को मुक्ति तो जरूर मिली लेकिन अजगर ने उसके पैरों में कई जगहों पर काट लिया बीजेपी सात से तेरह नवंबर तक प्रखंड मुख्यालय पर करेगी प्रदर्शन अगले महीने के दूसरे सप्ताह से प्रखंड मुख्यालय पर भाजपा प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगी प्रदेश सरकार की हर मोर्चे पर असफलता को लेकर भाजपा के इस आंदोलन की धनबाद में रूपरेखा तैयार करने के लिए धनबाद जिला ग्रामीण भाजपा ने एक बैठक पार्टी कार्यालय में रविवार का आयोजित की इस बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष ज्ञान रंजन सिन्हा ने की जिसमें बतौर मुख्य अतिथि धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह तो वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर कार्यक्रम के जिला प्रभारी सह चंदन क्यारी विधायक अमर बाउरी शामिल हुए धनतेरस पर झारखंड में तेरह सौ सत्तर करोड़ की खरीदारी कोविड के दो साल बाद धनतेरस पर राजधानी के बाजार झूम उठे धनतेरस की खरीदारी के लिए शुभ संयोग के साथ सुबह से ही बाजारों में रौनक रही इलेक्ट्रॉनिक ज्वेलरी लैपटॉप मोबाइल टीवी फ्रिज दो पहिया चार पहिया वाहनों की डिलीवरी के लिए लोगों की भीड़ लगी रही बता दें बाजार के जानकारों के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस बार कारोबार अच्छा हुआ झारखंड में करीब 1370 सौ करोड़ रुपए का कारोबार हुआ जिसमें सिर्फ रांची में 410 सौ करोड़ रुपए की धन वर्षा हुई पिछले साल के कारोबार की तुलना में यह लगभग 15 फीसदी अधिक है सरकारी स्कूलों में किक फॉर झारखंड का आयोजन राज्य सरकार के शिक्षा विभाग खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए किक फॉर झारखंड का आयोजन करेगी यह आयोजन पहले स्कूल स्तर पर होगा इसके बाद प्रखंड स्तर पर यहाँ बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिला स्तर पर होने वाले प्रतियोगिता में भाग लेंगे इसके बाद राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन किया जाएगा किक फॉर झारखंड के आयोजन के लिए जिला को तिरासी लाख सैंतीस हज़ार छः सौ रुपये आवंटित किया गया है इसमें प्रखंड स्तर आयोजन के लिए एक लाख अस्सी हज़ार रुपये वहीं विद्यालय स्तर पर दस लाख उनहत्तर हज़ार छः सौ रुपये खर्च किए जाएंगे वहीं स्पोर्ट सामग्री खरीदारी के लिए सत्तर लाख अठासी हज़ार रुपये आवंटित किए गए हैं बता दें जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए दस हज़ार रुपये प्रति प्रखंड दिया जाएगा वहीं स्टेट लेवल के लिए पचास हज़ार रुपये दिया गया है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भूलें साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें थैंक यू